हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। आज से मैं आप लोगों के लिए बिहार में दरोगा की परीक्षा जो होने जा रही है उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसका कि अनुमानित डेट 11 मार्च को रखा गया है, 11 मार्च 2018 को। तो हो सकता है कि इस समय परीक्षा हो ही जाए, तो आप अभी से ही प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू कर दें। और आप मानकर चलें कि इस बार जो दरोगा की परीक्षा होने वाली है वो बहुत ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इसमें समय जो दिया गया है 2 घंटे का दिया गया है और क्वेश्चन सिर्फ 100 है। तो इस परीक्षा में हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाएं, कॉन्सेप्ट पे आधारित, तो यह परीक्षा टफ होने वाली है। और मैंने जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया है वो मैंने पेज वाइज तैयार किया है, जिससे कि आपको प्रश्नों को हल करने में समय भी मिले और सुविधा भी हो। तो जैसे ही पहला पेज लोड हो आप इस वीडियो को पॉज करके और आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपना उत्तर खुद ही दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने पहला पेज है, इसमें पहला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के विषय में क्या सही नहीं है? सेनापति से मतभेद के कारणों से त्याग पत्र देना पड़ा था। इसी काल में सहकारिता की शुरुआत हुई, कोलकाता नगर नियम के स्वायत्तता को बढ़ाया या साम्राज्य कृषि विभाग की स्थापना की, इसमें से कौन सही नहीं है? तो इसमें जो सही उत्तर है वह है सी, कोलकाता नगर निगम की स्वायत्तता को बढ़ाया। मतलब उसने क्या किया था कि कोलकाता नगर निगम में सदस्यों की संख्या को उसने घटा दिया था और ब्रिटेन के जो सदस्य थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया था। इस प्रकार से यह कोलकाता नगर निगम न रहकर यह ब्रिटिश नगर निगम हो गया था। और उसका अपने सेनापति लॉर्ड किचनर के साथ भी विवाद हुआ था, जिसके कारण उसने त्याग पत्र दे दिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाएं। बीएचयू की स्थापना, राजधानी परिवर्तन, सेडलर आयोग की नियुक्ति और ऑलेट एक्ट। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले हुआ था वो राजधानी परिवर्तन हुआ था 1911 में। उसके बाद बीएचयू की स्थापना हुई थी 1916 में, सेडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी 1917 में, और ऑलेट एक्ट 1919 में। इस तरह से हमारा उत्तर जो सही बनता है वो 2, 1, 3, 4, मतलब ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो उनको आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। बी इसका सही उत्तर है। चौथा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद कौन कांग्रेस अध्यक्ष बना? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था। 1932 में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुए पूना समझौते में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? इसका सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय ने। उस समय जो दो तीन तीन चार नेता थे, जिसमें कि मदन मोहन मालवीय थे, एमसी रजा थे और बी आर अम्बेडकर थे, तो मदन मोहन मालवीय की सहायता से यह समझौता हुआ था। जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, किस भारतीय नेता की मृत्यु हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी उस दिन, मतलब उस साल। किसके काल में कंपनी के अधीन नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया गया? इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम वेंटिक के काल में, क्योंकि इस काल में ही भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति होने लगी। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है संशोधन अधिनियम 1786 के तहत। ठीक है, संशोधन अधिनियम 1786 के तहत यह अधिकार दिया गया कि वह अपने परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है और अपने निर्णय को लागू कर सकता है। नौवां प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉर्ज यूले। वह 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। असहयोग आंदोलन के विरोध में निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बारहवां प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू ने। अगला क्वेश्चन है, 1934 में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव ने, ऑप्शन ए, आचार्य नरेंद्र देव ने। 14. आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन डी। 15. किस प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो वो था वर्धा प्रस्ताव, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। 16. हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अपना शताब्दी वर्ष मनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, संवैधानिक संस्थान नहीं है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग है, अंतरराज्यीय परिषद। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। इसमें जो दो है ए और बी, इन दोनों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अंतरराज्यीय परिषद जो होता है वो केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति जो एक मजदूर नेता रह चुका था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीवी गिरी, जो कि 1969 से 1974 तक राष्ट्रपति रहे। इससे पहले वो एक मजदूर यूनियन के नेता भी थे। किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 86वां, और ये संशोधन जो है 2002 में हुआ। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करें, अनुच्छेद 39, 41, 42, 47, और दूसरी तरफ दिया प्रसूति पाने का अधिकार, जीविका के साधन पाने का अधिकार, शराबबंदी और काम पाने का अधिकार। इसमें जो है अनुच्छेद 39 जो है जीविका का साधन पाने का अधिकार के तहत ये आता है। अनुच्छेद 41 जो है वो काम पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता पाने का अधिकार, और अनुच्छेद 47 शराबबंदी का अधिकार, जिसके तहत बिहार में भी शराबबंदी की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मेघालय ए। मेघालय में जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में भी 40 है और सिक्किम में 32 है। सिनेमा घरों में सिनेमा शुरू होने से पूर्व राष्ट्रगान की धुन पर सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य है, यह किस में शामिल है? ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है, जो कि हमारा पहला कर्तव्य ही है। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दो कार्यपालिका प्रमुख का होना, मंत्री परिषद का गठन संसद के सदस्य से होना, मंत्री परिषद का संसद के प्रति उत्तरदायी होना और न्यायिक पुनर्विलोकन का होना। इसका जो सही उत्तर है संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है वो होगा ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन का होना, ऑप्शन डी।
लाभ का पद किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? संविधान, सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारतीय संसद? इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 25, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस आधार पर अल्पसंख्यक होने की मान्यता देता है? ऑप्शन ए केवल धार्मिक, बी केवल भाषाई, सी धार्मिक एवं भाषाई दोनों, और डी धार्मिक, भाषाई एवं निर्जातीय। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है, धार्मिक एवं भाषाई दोनों आधार पर भारतीय संविधान अल्पसंख्यक होने की मान्यता देता है। राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इससे वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है, इससे अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बातें करने वाला कोई कानून देश में नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों सही होगा। कोई कर जो उस पर ब्याज की अदायगी कितने समय सीमा के भीतर नहीं हो पाता है तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। ऑप्शन है 50 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 180 दिन। तो इसका सही उत्तर है 90 दिन, मतलब ऑप्शन बी। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक रिपोर्ट है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व व्यापार संगठन का? तो इसका सही उत्तर है ये विश्व बैंक का वार्षिक रिपोर्ट है, मतलब ऑप्शन बी। विदेशी व्यापार खाते में भारत का किस देश के साथ चालू खाते पर सर्वाधिक व्यापार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान के साथ। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? अल हिलाली, सिंगापुर, हांगकांग या कांडला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कांडला, मुंबई, कांडला गुजरात में, और यह स्थापित किया गया था 1965 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड के विषय में क्या सही नहीं है? इसे चीन की तर्ज पर भारत में शुरू किया गया, यह सही है। इससे संबंधित अधिनियम संसद द्वारा 2009 में पारित किया गया, ये गलत है, मतलब इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, इससे संबंधित अधिनियम संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया था और यह 2006 से लागू हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री को नीति आयोग का पदेन सदस्य नहीं माना जाता है? इसके चार पदेन सदस्य होते हैं, मानव संसाधन मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री और वित्त मंत्री। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि आरबीआई नगद आरक्षण कोष, मतलब सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि करता है, इसका मतलब होता है वाणिज्यिक बैंकों के उधार देने की क्षमता घटेगी, आरबीआई के उधार देने की क्षमता घटेगी, सरकार के उधार देने की क्षमता बढ़ेगी, वाणिज्यिक बैंकों के उधार देने की क्षमता घटेगी। इसका सही उत्तर है वाणिज्यिक बैंकों के उधार देने की क्षमता घटेगी, क्योंकि सीआरआर का मतलब होता है एक निश्चित राशि बैंकों को आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है, तो जैसे ही इस रेट में वृद्धि होती है तो मतलब उनके पास कैश कम होगा, तो कैश कम होगा तो उनको उधार देने की क्षमता घटेगी। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। किन दो योजनाओं के मध्य रोलिंग प्लान चलाया गया था? पांचवी और छठी, तीसरी और चौथी, सातवीं और आठवीं, छठी और सातवीं। तो इसका सही उत्तर है पांचवी और छठी योजना के मध्य में रोलिंग प्लान चलाया गया था, और इस समय जनता पार्टी की सरकार थी और उन्होंने 1980 की जगह 1978 में ही इस प्लान को, पांचवी पंचवर्षीय योजना को, खत्म कर दिया था। निम्नलिखित में से किस योजना के मध्य आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11वीं योजना के मध्य। नेक्स्ट, प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान की राशि को जोड़ दिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? इसका सही उत्तर है राजकोषीय घाटा।
एक्चुअली राजकोषीय घाटा जो होता है सरकार की आय और व्यय का अंतर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें, एनके सिंह समिति। तो एनके सिंह समिति जो है वो एफआरबीएम एक्ट की समीक्षा के लिए बनाया गया था। एफआरबीएम का फुल फॉर्म होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, मतलब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। ये 2003 में लागू किया गया था और इसी की समीक्षा के लिए एनके सिंह समिति बनाई गई थी। एसके माथुर समिति, जैसा कि आप लोगों को पता है, सातवां वेतन आयोग के वो अध्यक्ष है। तारापोर समिति, इसका संबंध पूंजी खाता पर मुद्रा की परिवर्तनीयता, मतलब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर ये समिति बनाई गई थी। और शंकर आचार्य समिति, इसका जो संबंध है नए वित्तीय वर्ष की व्यवहारिकता पर आधारित है। इसका सही उत्तर है B1, ऑप्शन सी। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य का क्रम है मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है सबसे बड़ा तो गया राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर पांचवा नंबर पे। मतलब कि 1, 3, 4, 2 सही उत्तर है ऑप्शन बी। सर्वाधिक क्रिक वाले राज्य हैं, इसका सही उत्तर है गुजरात। और ये जो क्रिक है वो 96 किलोमीटर लंबा है और इस क्रिक पर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद भी है। क्रिक होता है एक क्रिक जो होता है वो जल जल से भरा हुआ एक क्षेत्र होता है। प्रवाल या कोरल भित्ति के द्वारा निर्मित द्वीप है भारत में, वह लक्ष द्वीप, ऑप्शन सी। एक तरह के समुद्री जीव होते हैं जो कि एक के ऊपर एक जमते जाते हैं और इनकी सतह जो है कठोर होती जाती है, जिससे कि अगर द्वीप का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य का चयन करें। धारवाड़ चट्टानों की उत्पत्ति आर्कियन उपनतियों में ताप एवं दाब की क्रिया से हुआ है। दूसरा, धारवाड़ क्रम की चट्टाने खनिज संपदा से भरपूर है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो निर्माण होता है वो आर्कियन चट्टानों के रूपांतरण से होता है, ठीक है। और धारवाड़ क्रम के चट्टानों में बहुत सारे धातु और खनिज संपदा पाए जाते हैं, जैसे कि लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, शीशा वगैरह। इसका सही उत्तर है केवल 2, बी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चुनाव करें। क्रिस्टेशियस काल में केंद्रीय उद्गार द्वारा 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर लावा का प्रवाह हुआ। दूसरा है, रेगुर मिट्टी कपास एवं गन्ना की खेती के लिए लाभदायक है। इसका सही उत्तर है गलत, इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, केवल एक गलत है। रेगुर मिट्टी में तो हम जानते हैं कपास और गन्ना की खेती होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम प्रणाली है। इसका सही उत्तर है गोंडवाना प्रणाली जो है सबसे नवीन प्रणाली है। और सबसे प्राचीन कौन है, आर्कियन प्रणाली। निम्न में से कौन सही नहीं है, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली, तेल शोधन उद्योग मथुरा, जस्ता उद्योग जयपुर और जलयान उद्योग द्वारिका। इसमें जो सही हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, जलयान उद्योग द्वारिका नहीं है बल्कि ये कलकत्ता में है। बाकी सब सही है, उदयपुर राजस्थान में, जस्ता और शीशा उद्योग है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। निम्न राज्यों में से किसमें 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो था वो बिहार में था। और ये लगभग कितना था,
ये जो लगभग था हमारा 1102। चालीस, निम्न खनिज अयस्क निक्षेपों में दंडकारण्य क्षेत्र में नहीं मिलता है, कौन सा ऐसा चीज है जो दंडकारण्य क्षेत्र में नहीं मिलता है? तो वहां पर बॉक्साइट मिलता है, लोहा मिलता है, कोयला भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, लेकिन पेट्रोलियम वहां पे नहीं मिलता। तो हमारा सही उत्तर होगा पेट्रोलियम। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। निम्न में से सत्य का चुनाव करें। एल नीनो की परिघटना भारतीय मानसून को कमजोर कर देती है। एल नीनो एक गर्म महासागरीय धारा है जो पेरू के तट पर दिसंबर में प्रकट होती है। इसका सही उत्तर है 1 और 2, दोनों, मतलब ऑप्शन सी। एल नीनो एक गर्म महासागरीय जलधारा है जो कि इक्वेडोर और पेरू तट पर दिसंबर में प्रकट होती है। 48, निम्न में से कौन सी घटना मानसून पूर्व होती है? वसंत की बौछार, आम्र बौछार, फूलों की बौछार, या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए पलार नदी, बी मोनेरू नदी, सी बेपोर नदी, या डी पलेरू नदी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेपोर नदी। अब देखते हैं कि नदियां कहाँ कहाँ हैं। पलार नदी जो है वो तमिलनाडु में है, मोनेरू नदी तेलंगाना में है, बेपोर नदी केरल में है, और पलेरू नदी आंध्र प्रदेश में है। अष्टकमुदी झील स्थित है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। अष्टकमुदी झील जो है वो केरल में है और ये बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न नदी घाटी को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। भीमा नदी, तिरना नदी, हेमवती नदी और पूर्णा नदी। तो देखिए, पूर्णा नदी है और तिरना नदी, ये दोनों जो है महाराष्ट्र में है, हेमवती नदी कर्नाटका में है, और ये भीमा नदी जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना तीनों से होकर बहती है। तो इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले होगा पूर्णा नदी, तब होगा तीरना नदी, क्योंकि दोनों महाराष्ट्र में है, पूर्णा तीरना। तो 4-2-1-3 इसका सही ऑप्शन होगा, पूर्णा तीरना और तब एक भीमा नदी, क्योंकि ये भी महाराष्ट्र से होकर बहती है, और सबसे दक्षिण में है हेमवती नदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4-2-1-3। नंदयाल घाटी किस राज्य में स्थित है? नंद याल घाटी, इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है ये। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? इसका सही उत्तर है डिगबोई, असम में, जो कि अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन है, और ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना तेल भंडार केंद्र है। बिहार के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? इसका सही उत्तर है गया, गया और मुंगेर में। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट, 98 डिग्री फॉरेनहाइट, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, या कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, जिसको कि हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं कन्वर्ट करने। कंप्यूटर शब्द एमबी का प्रयोग किया जाता है, एम से हो गया मेगा और बी से हो गया बाइट्स, मतलब ऑप्शन बी मेगा बाइट्स के लिए। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 12 जनवरी, 4 जनवरी? सही उत्तर है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है केला, आम, अमरूद, स्ट्रॉबेरी। तो ललित जो है वो अमरूद की उत्तम किस्म है, जैसे कि CISH एक संस्था है लखनऊ में, उसके द्वारा विकसित किया गया है।
द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में। आर्ट ऑफ लिविंग आंदोलन का प्रचार भारत और विदेशों में कर रहे हैं, तो श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन डी। टीपू सुल्तान की राजधानी थी मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम थी। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? भारतीय स्वतंत्रता दल, क्रांतिकारी दल, आजाद हिंद फौज या फॉरवर्ड ब्लॉक? तो 1939 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वर्ष के किस समय सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है और रात और दिन बराबर होते हैं? सूर्य ग्रहण, विषुव, चंद्र ग्रहण या संक्रांति? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषुव। विषुव को हम लोग इंग्लिश में इक्विनॉक्स भी कहते हैं और ये घटना जो है साल में 2 बार होती है, जिस समय रात और दिन बराबर होते हैं। विषुव का मतलब होता है जब पृथ्वी का झुकाव न सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य से दूसरी ओर होता है, बल्कि बीच में होता है, उस स्थिति को हम लोग विषुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म एंड टीवी संस्थान कहाँ स्थित है? यह पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म का पूजा स्थल है? ताओ धर्म, यहूदी धर्म, जोरोस्ट्रियन यानी कि पारसी या शिंतो धर्म? तो इसका सही ऑप्शन है पारसी। आइए अगला देखते हैं। मेंढकों को टर टर करने की आवाज क्या दर्शाती है? समूह के दूसरे सदस्य को चेतावनी, शत्रु से भयभीत होना, विपरीत लिंग को आकर्षित करना या कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विपरीत लिंग को आकर्षित करना। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य में धमनी के संकुचन एवं फैलाव के समय रुधिर का दबाव होता है 80/120, 120/80, 80/80 या 50/80? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 120/80 होता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन का आखिरी उत्पाद है? ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल, मोनोसैकेराइड या डाई सैकेराइड? तो इसका सही उत्तर है मोनो सैकेराइड। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है ग्लूकोज। इनमें से कौन सा विषाणु का मुख्य लक्षण नहीं है? विषाणु में वृद्धि, गुणन एवं उत्परिवर्तन केवल निर्जीव पर कोशी कोशिका में होता है, ये सही है। विषाणु में क्रिस्टलीकरण हो सकता है, ये भी सही है। विषाणु पौधों, जंतुओं एवं जीवाणुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। विषाणु परपोषी कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल द्वारा संक्रमण पैदा करते हैं, ये गलत है। मतलब हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो अनुवांशिक बौने पौधों को गांठों के बीच से लंबा करता है। जिब्रेलिन, ऑक्सिन, आईएए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है जिब्रेलिन। ऑक्सिन और आईए सभी जो है ये पादप हार्मोन ही है, लेकिन गांठों में जो गांठों के बीच से जो लंबा करता है वो जिब्रेलिन है, ठीक है। और इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने की थी। और आईए ए भी जो है ऑक्सिन ग्रुप का ही पादप हार्मोन है, ठीक है। और ऑक्सिन की खोज की थी डार्विन ने 1880 में। प्रकाश संश्लेषण में अंधेरी अभिक्रिया कहां पर होती है? थैलोकोइट, ग्राना, लैमेलिया, स्ट्रोमा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, स्ट्रोमा में होती है। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? क्लोरेला, ग्रेसिलेरिया, एलएच या ऑक्सीटोसिन? तो इसका सही उत्तर है ग्रेसिलेरिया से। अगर अगर जो है जेली की तरह का पदार्थ होता है जिसका उपयोग खाने में भी किया जाता है, और यह मुख्यतः एल्गी से प्राप्त होता है, मतलब ग्रेसिलेरिया से। भूदान आंदोलन शुरू हुआ 15 अप्रैल 1951 को, मार्च 1950 को, 2 अक्टूबर 1952 को, अप्रैल 1949 को? इसका सही उत्तर है 15 अप्रैल 1951 को यह शुरू हुआ आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, और ये कहाँ शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक पर रोक कब लगाई गई? 22 अगस्त 2017, 24 अगस्त 2017, 26 अगस्त 2017 या 30 अगस्त 2017 को? इसका सही उत्तर है 22 अगस्त 2017 को रोक लगाई गई। जिन लोगों को लगता है कि बाजार में अभी तेजी का रुख चलेगा, मतलब शेयर बढ़ेंगे, मतलब शेयर बाजार बढ़ेगा, सेंसेक्स बढ़ेगा, तो उन लोगों को तेजरिए कहते हैं, उनके लिए बुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जिन लोगों को लगता है कि बाजार अभी नीचे आ सकता है, मतलब सेंसेक्स में गिरावट हो सकती है, निफ्टी में गिरावट हो सकती है, तो उन लोगों को मंदरिये कहते हैं, उनके लिए बियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि जिस दिन बाजार में तेजी होती है उस दिन बुल को दर्शाया जाता है, जिस दिन बाजार में मंदी होती है उस दिन बियर को दर्शाया जाता है। ये दोनों प्रतीक होते हैं तेजी और मंदी के। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है? इसका सही उत्तर है मधुमक्खी। निम्न में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दशहरा, दीपावली, होली या नागपंचमी? तो इसका सही उत्तर है दीपावली, लेकिन अब वो लोग इसको नहीं मनाते हैं लगभग। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? जनसंख्या नियंत्रण, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, पर्यावरण प्रतिरक्षा या मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसकी शुरुआत यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत की गई थी 1987 में। निम्न में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? वानिकी, विनिर्माण, कृषि या विपणन? तो तृतीय क्रियाकलाप है विपणन। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं? ऑंकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरोटोलॉजी और आर्कियोलॉजी? इसका सही उत्तर है जेरेंटोलॉजी। बाफ्टा पुरस्कार का आयोजन होता है लंदन, पेरिस, लॉस एंजल्स, मुंबई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है लंदन में होता है। बाफ्टा का फुल फॉर्म ये होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केजी बाला कृष्णन। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अरुण जेटली? इसका सही उत्तर ऑप्शन है अमिताभ बच्चन। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फ्रेंच ओपन 2017 के पुरुष एकल का विजेता है? इसका सही उत्तर राफेल नडाल, और ये स्पेन के हैं जिसने कि स्विट्जरलैंड के बावरिका को हराया, स्टैन बावरिका को। अंधेर पंचाली फिल्म के निर्देशक हैं सत्यजीत राय, दादा साहब फाल्के, मृणाल सेन, महमूद खान? इसका सही उत्तर है सत्यजीत रे। नेक्स्ट, रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी का क्या नाम है? रिपब्लिकन, जानू पीएफ, रेड पार्टी या येलो पार्टी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जानू पीएफ, और इसका फुल फॉर्म है जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन। पीएफ का मतलब हुआ पैट्रियोटिक फ्रंट। रिपब्लिकन अमेरिकन पार्टी है जिसके नेता ट्रंप है, रेड पार्टी नॉर्वे की है। ब्रिक्स का 9वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था जो कि 2017 में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है शियामेन, चीन में। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? कृष्णा सोबती, मृणाल सेन, सुनीता जैन, शंख घोष? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है कृष्णा सोबती को दिया गया, जिनका की जन्म गुजरात में हुआ था और इन्हें पहले भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 1980 में इनकी पुस्तक जिंदगी नामा के लिए। और इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था, जो कि विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया, उसके बाद ये दिल्ली में आकर बस गए। वुड्रो विल्सन पुरस्कार 2017 किसे दिया गया? चंदा कोचर, मुकेश अंबानी, बराक ओबामा, सभी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है चंदा कोचर को दिया गया, आईसीआईसीआई की एमडी। वर्ष 2017 में आईफा अवार्ड का आयोजन हुआ,
कुआलालंपुर, सिंगापुर, मैड्रिड या न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में निम्न में से किसका निर्माण करवाया? जामा मस्जिद, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सिकरी में है। किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दे दिया? केशवानंद भारतीवाद, राज नारायणवाद, बनाम इंदिरा गांधी, गोकुलनाथवाद या सज्जन कुमारवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारतीवाद में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक अधिकृत भाषा या राजभाषा है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। इसका सही उत्तर ऑप्शन है सिंगापुर। सिंगापुर में चार राजभाषा है, इंग्लिश, मलय, तमिल और मंदारिन, जो कि चीन की भाषा है। विश्व के किस देश ने 17 अगस्त 2017 को डोकलाम के मुद्दे पर भारत तथा भूटान का खुलकर समर्थन किया है? ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जापान ने। और ये विवाद जो है पिछले दिनों काफी चर्चा में था, जिसमें चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। भारतीय दूर संचार नियामक संस्था ट्राई में कॉल ड्रॉप के मामले में दूर संचार कंपनी पर जुर्माने की न्यूनतम सीमा क्या तय की गई है? 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख या 1 लाख। इसका सही उत्तर ऑप्शन है 10 लाख। 3 तलाक संबंधी विधेयक के मसौदे पर सहमति जताने वाला राज्य कौन है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शरणार्थी समझौते से अलग होने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है अमेरिका ने, ऑप्शन डी। हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट पूरे किए? भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन या आशीष नेहरा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रविचंद्रन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि ये सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।